भाषण हमारे बीच एक बड़ी अच्छी बात कह गए कि आज देखिए युवा रोजगार खोज रहा है, लेकिन उसके सामने रोजगार के सीमित क्षेत्र हैं। रेलवे में जाएगा कि बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा, कहीं जुगाड़ हो जाए। एक इतना बड़ा क्षेत्र खुला है आज योग का, जहां पूरे दुनिया के लोग आपसे योग सीख के आपको डॉलर देने के लिए तैयार हैं। साहब आप हमसे डॉलर ले जाओ, और हम लोग हैं कि नहीं, हम तो बस कहीं रेलवे उलवे का थोड़ा मोड़ा कुछ हो जाए तो रेल। अगर हमने योग शिक्षक BSc योगा MSc योगा, आज गायत्री परिवार का देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, आज युवाओं को वहाँ से MSc BSc योग में, और लगभग जितने लोग हमारे यहाँ से निकले हैं सब आज हम व्यक्तिगत रूप से कई भाइयों को जानते हैं जो 50-60 हज़ार रुपया पर महीने से ऊपर कमा रहे हैं योग के द्वारा। तो ये क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए भी है और भारत को धन धान्य पूर्ण करने के लिए भी है। आज भले न दिख रहा हो, आने वाले समय में पूरी दुनिया के लोग भारत से जब योग के टीचर खोजेंगे तो हम लोग कहेंगे हमारे यहाँ तो रेलवे में जाने वाले लोग हैं, बैंक में जाने। इसलिए इसके लिए भी आप लोग प्लान करिए, इसके लिए भी आप सोचिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हर साल योग के लोगों को, हमारे यहाँ जो सीट है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा है एस व्यासा जो बेंगलोर में है, नागेंद्र जी अभी हमारे प्रधानमंत्री के योग गुरु के रूप में भी हैं। सौभाग्य मिला था हम लोगों को भी कभी पटना में एक सप्ताह उनके साथ रहने का, और आज वो भारत के प्रधानमंत्री के योग गुरु बन चुके हैं। तो उनके यहाँ भी बेंगलोर में भी आप डिग्री ले सकते हैं, और कई जगह है जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भी सोचिए, इसलिए दिल को बैठने नहीं देना है कि अगर इन चीज़ों में नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ा सेक्टर खुला है योग का, प्रधानमंत्री जी ने ये जो दिया है, तो आप सब इसके लिए भी अपना मनोभाव बनाइए। आगे हमारे बीच पटना की प्रथम महिला मेयर के रूप में चुनी गई हैं, ये हम सब के लिए, इस पटनावासी के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, बेटा आने वाला सदी नारी सदी होगा, पुरुषों का वैल्यू कमेगा, महिलाओं का महत्व बढ़ेगा। इसलिए पुरुष लोग सावधान हो जाइए, महिलाओं का महत्व बढ़ने वाला है। आने वाला समय नारी सदी होगा, महिलाओं का जमाना आ रहा है, और ये बड़ा ही सुखद सौभाग्य है कि आज परसों आप बनी हैं, और आज गायत्री परिवार के इस देव मंच पर आपको आने का मौका मिला है। ये निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, सूक्ष्म जगत से कुछ विशेष प्रेरणा चल रहा है, तभी आप हमारे बीच आई हैं। आपका हम बारंबार इस गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आपसे निवेदन करेंगे कि आप आए और अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सभी भाइयों को प्रदान करें।